अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम वकार और आप देख रहे हैं वकार बर्ड। पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पहला पार्ट देखा। तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, तो वो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, अब वीडियो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से। और जिन्होंने पहला पार्ट देखा था उनको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे पास उस टाइम सिर्फ और सिर्फ दो पेयर थे बंगलाई के। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ब्रीड बहुत ज़बरदस्त आ रही थी मेरे पास, और ब्रीड आने का सबसे बड़ा रीज़न वो यही जो मुझे उस टाइम तक समझ आया था वो यही था कि जब भी आपका परिंदा बहुत अच्छी डाइट आप उसको दोगे तो वो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे देगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उस टाइम तक तकरीबन 5 से 6 बच्चे एट अ टाइम वो पाल रहे थे। तो केज मेरे पास छोटा हो गया था, जिसके बाद जो केज था न्यू वो मैंने लिया फोल्डिंग केज। सही है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो उस टाइम मेरे पास पिक्चर मौजूद थी फोल्डिंग केज की। तो आप जब भी लो फोल्डिंग केज लो वो बहुत इजी होता है। सेकंड ये है कि आप उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, सीन कुछ ये हो गया कि जब मैंने 12 खानों वाला अपना एक केज नया ले लिया तो मेरे पास क्या हुआ, जगह ज़्यादा हो गई और परिंदा जो है फिंच कम हो गई। तो मैंने क्या किया, एक और पेयर लिया फिंच का। तो उसमें जो है एक जो मेल था वो था कॉमन का, और जो फीमेल थी वो लेडी गोल्डियन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सबसे पहला पेयर है जो मैंने लिया था। लेकिन साथ जिस टाइम में ये लेके आया था तो उस टाइम थे सर्दियों के दिन, और मैं इनको लेके आया था बाइक के ऊपर। तो बाइक में जो फीमेल थी उसको कहीं हवा लग गई और वो बीमार हो गई। वो उसी रात ही जो बहुत शदीद बीमार हुई, सुबह तक उसकी हालत हो गई थी बिल्कुल ख़राब। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो फिर मैंने इसको कुछ मेडिसिन दी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा आगे चल के इंशाल्लाह क्या मेडिसिन मैंने दी थी। फ़िलहाल तो मैंने उस टाइम इसको एक लाइट भी लगा के दे दी थी। उस मेडिसिन से ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से माशाल्लाह अब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी ये। फिर उसके फिर कुछ अरसे बाद जाके ना मैंने ना एक वाइट का पेयर भी ले लिया, जो क्रिस्टेड बंगलाई का एक पेयर लिया और एक ही पिंजरे में रखा हुआ था। अच्छा, इसमें जो था मैंने उस टाइम लाइटें नहीं लगाई हुई थी ना, लाइट्स वगैरह नहीं लगाई हुई थी। अच्छा, लाइट्स वगैरह नहीं लगाई हुई थी। तो यार मैं आपको बताता चलूँ, जो लोगों ने स्टार्टिंग में ये गलतियाँ की हैं वो मत करें। वो लाजमी अपने जो है ना केज के अंदर लाइट लगाएं, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको, क्योंकि उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और कुछ अरसे बाद जाके ना मैंने फिर जो है ये कुछ पेयर लिए मैंने लेडी गोल्डियंस के, जिसमें 2 ब्लू थे, 2 लोटिनो थे और 2 कॉमन के थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह एक्टिव बर्ड्स हैं।